एनटीवी उर्दू स्टूडियो के मौजूद नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। कुरान के मौजूद हैं कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। हालिया तहकीकात सिर्फ इस नुक्ते को जहन में रख कर की गई कि कुरान और मैथमेटिक्स का भी आपस में कोई ताल्लुक है। इल्मे हिंसा से ताल्लुक रखने वाले लोगों के मुताबिक हिंसों का हमारी ज़िंदगी में बड़ा गहरा अमल दखल है, लिहाजा जब इस खास नज़रिए से कुरान पर तहकीकात की गई तो कुरान ने एक बार फिर हैरत अंगेज इनकशाफात के साथ रिजल्ट दिए जो आज की वीडियो का मौजू होंगे। हसब रिवायत हमारे इस चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश के चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ की बेल नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। इस वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक ज़रूर करें। यहाँ यह बात जहन नशीन करना बेहद ज़रूरी है कि कुरान खुदाए बुजुर्ग की तरफ से हिदायत नामा है, अल्लाह ताला के अहकामात हैं ताकि हम इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालें। लेकिन फिर भी कुरान में बयान करने का जो तरीका इस्तेमाल किया गया वो वाकई हैरान कन और बाइस हैरत है। यही वजह है कि कोई इंसान या इंसानों का ग्रोह 1400 साल गुजरने के बावजूद ऐसी किताब ना लिख सका, बल्कि कुरान ने बनी आदम को खुला चैलेंज किया कि अगर वो समझते हैं कि ये किताब खुदा ताला की तरफ से नहीं तो सब इकट्ठे होकर इस जैसी कोई सूरत पेश करें। और यूं 1400 साल से ये चैलेंज कोई पूरा ना कर सका। माहरीन के मुताबिक कुरान में लफ्ज़ यौम यानी दिन कई बार अकेला और कई बार दूसरे लफ्ज़ों यानी आखरत का दिन वगैरह के साथ इस्तेमाल हुआ। लेकिन अगर सिर्फ लफ्ज़ यौम को कुरान में काउंट किया जाए तो ये लफ्ज़ कुरान में 365 बार इस्तेमाल हुआ यानी एक साल के दिनों के बराबर। इसी तरह लफ्ज़ महीना जिसे अरबी में शहर कहा जाता है पूरे कुरान हकीम में 12 दफ़ा इस्तेमाल हुआ और साल के महीने भी 12 होते हैं। कुरान में मर्दों और औरतों को बहुत सी जगहों पर इकट्ठे मुखातिब किया गया, मसलन मोमिन मर्द और मोमिन औरतें वगैरह। लेकिन कुछ मकामात पर सिर्फ मर्दों को मुखातिब किया गया और कुछ मकामात पर सिर्फ औरतों को मुखातिब किया गया। लेकिन जब दोनों लफ्ज़ों को गिना गया तो ये दोनों लफ्ज़ मर्द और औरत 24-24 मरतबा बराबर इस्तेमाल हुए। ईसाइयों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का दर्जा दिया, जिसकी तावील ये पेश करते हैं कि क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हुए इसलिए नऊज़ बिल्ला इनके वालिद खुदाए बुजुर्ग की ज़ात है और खुदा का बेटा नऊज़ बिल्ला खुदा होगा। लिहाजा कुरान में अल्लाह ताला ने इसका जवाब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मुशाबत की सूरत दिया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने बगैर बाप बल्कि बगैर माँ के भी पैदा फरमाया, लिहाजा दोनों ईसा अलैहिस्सलाम और आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बनाया, लिहाजा अल्लाह ताला इस बात पर कादिर है कि किसी को बगैर माँ बाप पैदा करे। लेकिन मैथमेटिकल नुक्ता नज़र से भी देखा जाए तो दोनों ईसा अलैहिस्सलाम और आदम अलैहिस्सलाम का नाम कुरान में 25-25 बार बराबर इस्तेमाल हुआ। यह हैरत अंगेज़ है क्योंकि कुछ सूरतें सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम के बारे में बात करती हैं जबकि कुछ सिर्फ ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में। लेकिन यह सिलसिला यहीं ख़त्म नहीं होता। शैतान जो कि एक जिन है इसकी उलट फरिश्ते हैं। फरिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी की ताकत नहीं रखते जबकि शयातीन और जिन्नात को यह ताकत हासिल है, यानी फरमा बरदार और नाफरमा। इन दोनों के लिए लफ्ज़ शैतान और मलाइका हैं। लेकिन दोनों हैरान कन हद तक कुरान में 88 बार बराबर इस्तेमाल हुए। इस दुनिया के लिए कुरान में लफ्ज़ दुनिया इस्तेमाल हुआ यानी हमारी ज़मीन पर ज़िंदगी को दुनिया से ताबीर किया जाता है जबकि मरने के बाद हमारी ज़िंदगी को आखरत का नाम दिया गया है जिसे आखिरा कहा जाता है। ये दोनों लफ्ज़ कुरान में यानी दुनिया और आखिरा 115 बार बराबर इस्तेमाल हुए। इसी तरह कुरान में हिंसा 19 काफ़ी अहमियत हासिल कर गया जिस पर काफ़ी तहकीकात हुई। मिसाल के तौर पर सूरत 74 के आयत 30 में अल्लाह ताला ने बताया कि हमने दोजख के 19 महाफिज यानी गार्ड्स फरिश्ते मुकरर किए। अगली ही आयत यानी आयत 31 में इस बात को वाजे करने की कोशिश की गई कि क्यों अल्लाह ताला ने ये महाफिज मुकरर किए। लेकिन हैरानकुन बात यह थी कि अगली आयत के लफ्ज़ों की तादाद 57 पर मुश्तमिल है यानी 19 ज़र्ब 3 57, मतलब अल्लाह ताला ने 57 अरबी हरूफ का इस्तेमाल करके जहन्नम के 19 दारोगों की वजाहत की जो 19 की टेबल है। इसी सूरत
यानी सूरत 74 की पहली 30 आयात जिनमें जहन्नम के बारे और इनके महाफिजों की तादाद के बारे में बताया गया। इनके लफ्जों की तादाद 95 है यानी 19,005 95। इसी ही सूरत की पहली 19 आयात के लफ्जों की तादाद 57 है जो कि एक बार फिर 19,003 है यानी 19 की टेबल। मामला अभी भी ख़त्म नहीं होता। इस सूरत की पहली 30 आयात यानी लफ्ज 19 तक हरूफ की तादाद 361 है। हरूफ से मुराद अलिफ बा ता सा वगैरह जो कि फिर 19 का ज़र्ब है यानी 19 ज़र्ब 19 361। यानी सूरत 74 में अल्लाह ताला ने लफ्ज 19 तक 19 ज़र्ब 19 हरूफ का इस्तेमाल किया। कुरान के चैप्टर 72 सूरह जिन के नाम से जाना जाता है। ये सूरत 285 हरूफ पर मुश्तमिल है जो कि 19 ज़र्ब 15 यानी 285 है यानी एक बार फिर 19 की टेबल। अगर इसी सूरत के लफ्ज़ों की बात की जाए तो ये कुल 114 लफ्ज़ बनते हैं। हैरान कुन बात यह है कि कुरान के कुल सूरतों की तादाद 114 है और ये भी 19 का टेबल है यानी 19 ज़र्ब 6 114। इस्लामी तारीख हमें बताती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही सूरह अलक यानी सूरह 96 की 5 आयात नाजिल हुई यानी इकरा बिस्म रब्बिकल लजी खलक से लेकर मालम यालम तक पहली वही नाजिल हुई यानी इस सूरत की 5 आयात। इन 5 आयात के हरूफ की तादाद भी 19 है मतलब पहली वही 19 लफ्ज़ों पर मुश्तमिल आयात में नाजिल हुई। इन आयात के हरूफ की तादाद 76 है यानी 19 ज़र्ब 4 76 जबकि इस पूरी सूरत के हरूफ की तादाद 285 है यानी 19 ज़र्ब 15 285। और यूं इस पूरी सूरह अलग की 19 आयात हैं जो कि हैरान कुन बात है। कुरान में कुछ हरूफ हैं जिनके मायने अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं जानता यानी अलिफ लाम मीम वगैरह जिन्हें मुख्तलिफ मकामात पर मिलाकर लिख दिया गया है जिनके मायने कोई नहीं जानता। इनमें एक हरूफ काफ है। इसी नाम की एक सूरत यानी सूरह 50 भी है जिसे सूरह काफ का नाम दिया गया है। ये हर्फ काफ इसी पूरी सूरत में 57 बार इस्तेमाल हुआ जो कि 19 ज़र्ब 3 57 है। कुरान की सूरह 42 की शुरुआत हा मीम आइन सीन काफ से होती है यानी काफ हर्फ इसी में है। इसी सूरत में हर्फ काफ फिर 57 बार इस्तेमाल हुआ जो कि 19 ज़र्ब 3। अगर दोनों सूरतों यानी 42 और 50 के काफ को जमा करें तो ये 114 बनता है जो कि फिर कुरान की कुल सूरतों की तादाद है और 19 का ज़र्ब है यानी 19 ज़र्ब 6 114। इसी बुनियाद पर मुफस्सिरीन ने हर्फ काफ का तर्जुमा कुरान से किया है लेकिन सही मतलब अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। कुरान करीम का आगाज अल्लाह ताला ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से किया। इसमें इस्तेमाल होने वाले हरूफ यानी बे सीन मीम हे वगैरह इनकी तादाद भी 19 है यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के हरूफ की तादाद 19 है जो कि दोबारा हैरत अंगेज बात है। और यूं बिस्मिल्लाह हर सूरत से पहले इस्तेमाल होती है सिवाय सूरह 9 के। इसका आगाज बिस्मिल्लाह से नहीं होता और यूं ये 114 के बजाय 113 मरतबा इस्तेमाल हुई। नहीं, सूरह 27 में बिस्मिल्लाह सूरह के शुरू में भी इस्तेमाल हुई और सूरह के दरमियान में दोबारा इस्तेमाल हुई। और यूं कुरान में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 114 बार इस्तेमाल हुआ यानी 19 ज़र्ब 6 114। हैरान कुन बात यह है कि सूरह 9 यानी जिसका आगाज बिस्मिल्लाह से नहीं होता जबकि सूरह 27 जिसमें बिस्मिल्लाह दो बार इस्तेमाल हुआ दोनों अपने साथ और दरमियान में 19 सूरतों का एक ब्लॉक बनाते हैं यानी 9 से 27 तक गिनने में हमें 19 सूरतों का नंबर मिलता है। यह हैरान कुन बात है जिससे साबित होता है कि यह काम कोई इंसान नहीं कर सकता सिवाय खुदाए बुजुर्ग की ज़ात के जो हर चीज़ पर कादिर है। उम्मीद है आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। इसे लाइक करते हुए फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करने में हमारा साथ दें। हमारी अगली वीडियो आने तक अल्लाह हाफिज़ व नासिर।